अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको चने के साग की बिल्कुल ही नए तरीके की रेसिपी बताऊंगी। तो चलो, मैंने इसको साफ़ कर लिया है अच्छे से। इनके जो मुलायम मुलायम डंठल होते वो होते हैं कलियां, उनको हमने रख लिया है और बाकी सब हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कट कर रहे हैं। आप चाहें तो चाकू से कट कर लें और चाहे आप कैंची से कट करें, हमको कैंची से इजी लगता है, इसीलिए हम कैंची से कट कर रहे हैं इसको। साग को हमने कट कर लिया है। अब हम गैस पर कुकर को चढ़ा देंगे और इसमें हम 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। पहले 1 लीटर डाला था और 0.5 लीटर बाद में हमने और डाल दिया है। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे इस तरह से और इसे हम उबलने देंगे। पानी जब तक उबल रहा है तब तक हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 1/2 कटोरी उड़द की दाल ली है और 1/2 कटोरी हम चावल ले रहे हैं। और हम यहाँ पर इमली ले रहे हैं। इमली से साग का स्वाद बहुत ही अच्छा होता लगता है। और यहाँ पर कच्ची मैंगो की कैरी सूखी ले रहे हैं। और इससे हम तड़का लगाएंगे और हरे मिर्च साग में डालेंगे। हींग ली है और लहसुन मिर्च से तड़का लगाएंगे और हरी मिर्च हैं ये सब हम साग में कट करके डालेंगे। इमली को धोकर हम भिगो लेंगे पहले। और ये भी कैरी भी हम पहले इनको धोएंगे, फिर उसके बाद में हम थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। इस तरह से इनको हम अलग अलग कर देंगे और पानी इनका हम फेंक देंगे और दूसरा पानी डालकर इनको हम भिगोकर 10-5 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक ये भीग रही हैं तब तक हम ये देखो हमारा साग भी, हमने साग को अच्छे से धोकर स्ट्रेन कर लिया था। और तब तक हम अपने मिर्चों को कट कर लेंगे। मिर्चे हमारे कट हो गए हैं। अब हम अपने पानी को देख लेते हैं। पानी हमारा अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें अपना कटा हुआ साग डाल देंगे। साग को जितना बारीक हो सके उतना बारीक काटें तो ज़्यादा अच्छा बनता है। हमने बारीक बारीक ही काटा है इसको। हमने 250 ग्राम साग लिया था, 1/2 केजी लिया था, लेकिन उसमें से 1/2 निकल गया है तो 250 ग्राम बचा है। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे स्वादानुसार। और इसे चलाएंगे और अच्छे से इसको हम बंद कर देंगे ऐसे ही ऊपर ढक्कन लगाकर, और इसे 10 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे ऐसे ही। दस मिनट हो गए हैं हमारे साग को पकते हुए। अब इसमें हम दाल को ऐड करेंगे। दाल को हमने अच्छे से धो लिया था और दाल को इसमें डाल देंगे।
अब चावल को हम इसमें डाल देंगे। चावल को भी हमने वॉश कर लिया था। अब हम इसमें इसको कुकर को बंद कर देंगे और इसमें हम 5 से 6 व्हिसल्स लगा देंगे। अब हम गैस को बंद कर दिया है हमने और इसे हम खोल लेंगे। आप देख सकते हैं साग हमारा कितना अच्छा बना हुआ है। अब इसको हम चलाएंगे अच्छे से। आप इसे अब मैश कर सकते हैं, आप जिससे चाहें उससे मैश करें। हम इसी से मैश कर दे रहे हैं। आप जितना अच्छा मैश करेंगे उतना अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। और इसमें हम अपनी वही कैरी डाल देंगे भीगी हुई, और जो इमली का पल्प निकाल कर रखा है उसे भी हम डाल देंगे। और हमने जो हरी मिर्चें कट करके रखे थे उन्हें भी हम डाल देंगे। आप जैसा तीखा खाएं वैसा आप मिर्च डालें। हमको तीखा खट्टा सब ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं ऐसे डाल रही हूँ। इससे साग जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग हमारी रेसिपी को कहां कहां से देखते हैं ये भी बताइएगा ज़रूर। हमने 2-3 सीटी और लगा ली है और अब हम इसको चेक कर रहे हैं फिर से दोबारा। अब ये हमारा बहुत ही अच्छे से साग बनकर रेडी हो गया है बिल्कुल। इसकी थिकनेस भी बहुत ही अच्छी आई है। साग इसी तरह थिक होता है। अभी ये और ठंडा होने पर अभी ये और थिक हो जाएगा, इसीलिए हम इसकी थिकनेस ऐसी ही रख रहे हैं। और इससे हम धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए खुला ऐसे ही ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख देंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें थोड़ा सा सौंधापन आ जाए। कुकर में बनाने से क्या होता है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है और स्वाद भी वैसा ही आएगा। अब हम इसको इसमें हम तड़का लगा देंगे। तड़का हम मिट्टी के बर्तन से लगाएंगे ताकि बहुत ही अच्छा सौंधापन आए। बर्तन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। आप जब भी तड़का लगाएं साग में तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें। अब सरसों का तेल हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन की कलियां को हमने कट करके डाला है इसमें। जब लहसुन अच्छे से हो जाए तब इसमें हम मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम हींग डाल देंगे 2 पिंच के करीब। साग में हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसको हम खोलकर इसमें तड़का लगा देंगे और इसे हम डुबो देंगे ताकि खुशबू अच्छी आ जाए।
मिट्टी के बर्तन से सौंधापन आता है, इसलिए मैंने मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर तड़के में। और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, आप बर्तन को निकाल कर बाहर रख देंगे मिट्टी के। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। बड़े बर्तन में हमने दोनों बर्तन में सर्व कर लिया है, और हमने कटोरी में भी सर्व कर लिया है। और आप इसे नींबू के साथ, मिर्च के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। मैं तो हमेशा नींबू डाल के ऊपर से इसको चम्मच से खाती हूँ। आप जैसे चाहें वैसे